गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब विष्णु जी के पुजारी जो सतोगुण के हैं ये वैष्णव कहलाते हैं। एक समय कुंभ का मेला भरा हरिद्वार में, वहां पर ये सभी कुंभ के पर्व में स्नान करने के लिए परभी लेने के लिए जाते हैं। गिरी पुरी नागा वैष्णव और ये अलग अलग अपने वहां अलग अलग ग्रुप में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। गिरी अलग, पुरी नारे, सन्यासी नारे, नागा नारे और वैष्णव अलग। और फिर स्नान करने के समय सभी प्रस्थान कर देते हैं अपने अपने मुखिया के पीछे पीछे। ऐसा ही हुआ, सबसे पहले नागा कति नंगे रहते हैं, वो हजारों की संख्या में थे, वो पहुंच गए वहां हर की पैड़ी पर हरिद्वार में और सब पर स्नान करने की पोजीशन पकड़ गए। पीछे तागे वैष्णव साधुओं का पूरा ग्रुप कई हजारों की संख्या में, वो जाकर कहने लगे नागाओ तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम कोई वस्त्र भी साथ नहीं रखते, हम बिल्कुल नीच्छा घूमते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम प्रथम स्नान करेंगे। वैष्णव साधु कहने लगे रे पशु की तरह तुम नंगे फिरो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिरडो, बार मरो, हम नहाएंगे पहले, आज तुम प्रथम नहाने वाले हो गए हो। कहने का भाव ये है, वो गंगा भी भूल गए, भगवान भी याद ना रहा, लठम लठा तीर निकाल लिया, तलवार काट ली, एक दूसरे को कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटके मर गए वहां पर। तो ये कर्म किसके हैं? राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गंगा का पानी मैला होता, 2 मिनट पाछे नहा लो, ना लो भाई कोई बात ना, हम ये बैठे यहाँ पर। एक आम आदमी से गिरा करेक्टर इन लोगों का व्यवहार। अगर आप गंगा कहीं स्नान करने गए भी हो, कभी डले डोहा थे जब हम भी जाया करते, कोई आकर कहता भाई मैं भी ना लो, कहा जा, उसको स्थान देते थे, कहा जो आप भी ना लो। आम व्यक्ति का व्यवहार अच्छा, इंतर इनको महात्मा कहना कहें हम, और इनसे जाकर दीक्षा लें, इनको इनसे मोक्ष माने, इसके विषय में परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम धड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेथ ना जाना, वहां जा तेग चलावे, और काटे शीश नहीं दल करू ना, ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। कहते हर पैड़ी, हर की पैड़ी कहे, भगवान के प्रति कोई दया नहीं, और आपस में कतलेआम कर रहे हैं, और काटे शीश नहीं दिल करुणा, ये जग में साधु कवा महात्मा। और कहते इनके तो दर्शन भी कोई करने जाए ना, उसने भी नरक पठावे। हमने आसपास देखा गांव में, हमारे गांव में नाथों का डेरा था एक, अब भी है, तो जो भी उनके संपर्क मानता उन पहले सुल्फा प्याण से कहते, उसको एक चलम सी राख्या दे मिट्टी की इतनी सुल्फा भर के टन कर देते, फिर वो चोरी करता, आदि बन जाता, घर क्या तो लुकमा लाता, दाने लाता, उन्हें सुल्फा पीना डेली, तो नो बिगाड़ दिए। कहते इनके दर्शन जाओ, उन अभी नरक भेज दें, ये काहे की भक्ति कराओगे करेंगे। सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।